उत्तर प्रदेश के गोंडा से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों के आरोपों पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने एक दिन कहा था कि हमारी चुनरी में कोई दाग नहीं है और कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई साहस में कमी नहीं है। याद रखना, एक दिन आपका ये भाई बेटा चाचा सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आरोप लगाया है यह नहीं हो सकता। मैं पूरा खुलकर नहीं बोल रहा हूँ, क्या कुछ बोल रही हैं जरा वो सुन लीजिए। तो मैंने बोला था चुनरिया झीनी रे झीनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, अरे दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी जो की ते उधर देनी, चुनरिया झीनी रे झीनी, कोई दाग नहीं है, कोई दाग नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, कोई साहस नहीं है। और मेरे भाइयों, याद रखना, आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये चाचा सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो आरोप लगाया है ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने शायरी के माध्यम से कहा, अधिकारी के लिए क्रांति का बिगुल बजाना ही होगा और मेरी पीढ़ी को कुछ लहू चुकाना ही होगा। अगर राम अयोध्या के राजा बन जाते तो सबरी, केवट और रावण से मुलाकात कहाँ होती। उसी तरीके से कुछ मेरे साथ हो रहा है।